फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो 4 दिनों की राजकीय यात्रा पर भारत पहुंचे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी है। नई दिल्ली में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी की और गले लगाकर उनका स्वागत किया। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगी। सुरक्षा के लिहाज से पूरे क्षेत्र को 137 सेक्टर में बांटा गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल देर रात दशाश्वमेध घाट पहुंचे, वहां का निरीक्षण किया। 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ यहां पर आएंगे। लखनऊ में न्यायिक सेवा के लिए 41वें अधिवेशन में सीएम योगी शामिल होंगे। हाईकोर्ट के नवीन भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में यह कार्यक्रम होगा। गाजियाबाद में सीआईएसएफ का 49वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। गृहमंत्री राजनाथ सिंह 5वीं बटालियन के 36 जवानों को मेडल देकर सम्मानित करेंगे। लखनऊ में होली मिलन समारोह और सांस्कृतिक संध्या में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 साल में होने वाली अहम बैठक का नागपुर में शुरू हो चुकी है। आज इस बैठक में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अगले सहकार वार्ता चुनाव करेगी। झांसी में 18 साल के युवक की नाचने के दौरान मौत हो गई। युवक अपने मामा की शादी सालगिरह में नाचते नाचते जमीन पर गिर पड़ा। हापुड़ के देहात क्षेत्र में वाइन शॉप पर सीआरपीएफ के जवान और उसके भाई से दबंगों ने मारपीट की। मारपीट में जवान और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। गाजियाबाद की डासना जेल में 27 एचआईवी पॉजिटिव कैदी पाए गए हैं, जिसके बाद चिकित्सा अधिकारियों ने जेल के हर कैदी की एचआईवी जांच शुरू करा दी है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में पिछले 1 महीने में 2 बंदियों में एचआईवी पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। मऊ में दबंग नकल माफियाओं ने बोर्ड परीक्षाओं में हो रही कड़ाई से नाराज होकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिपिक को लाठी डंडे और हॉकी से मारपीट कर अतबरा कर दिया गया। अलीगढ़ में हिंदू अविवाहनी के महानगर अध्यक्ष को एक दबंग युवक ने दिनदहाड़े मारपीट कर रिवॉल्वर से जान से मारने की कोशिश की। लखनऊ के मड़ियाव इलाके में आरपीएफ ने केडीटी प्लाजा पर छापा मारकर दुकानों से सीपीओ कैश बुक अपने कब्जे में लेकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। झांसी में एक युवक ने शादी का झांसा देकर नौकरी का झांसा देकर एक युवती के साथ 15 दिनों तक दुष्कर्म किया। आगरा के अब्बू लाला दरगाह के कब्रिस्तान में बंद बक्से के अंदर एक महिला की लाश मिली है। बक्से के अंदर महिला के कपड़े मिले। मुरादाबाद के मझोला में कमरे में बंद एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कानपुर के आईआईटी की बस ने शादी से लौट रही बग्घी को टक्कर मार दी। हादसे में एक घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। फतेहपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंतर जनपदीय 3 वाहन चोर गिरफ्तार कर उनके पास से 8 चोरी की बाइक बरामद की है। गाजीपुर में परिवहन आयुक्त और जिला अधिकारी के साथ जवनिया विधायक सुनीता सिंह द्वारा विधानसभा के विभिन्न जगह पर विभागों से संबंधित विकास कार्यों का जायजा लिया गया। I'm going to propose today. She has to say yes. प्रभारी और उनके साथियों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के बीबी नगर में 6 माह पहले विवाहिता की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। मैनपुरी में नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ यौन शोषण किया गया। आरोपी ने नोटरी शपथ पर फर्जी शादी भी की थी। अलीगढ़ के आयशा तरीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में 4 कक्षा में पढ़ने वाले पटना के छात्र के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। लखनऊ में दहेज लोभी पति और ससुराल वालों ने महिला के बाल पकड़कर बेरहमी से पिटाई की है। हरदोई में मॉडर्न बेकरी फैक्ट्री में केरोसिन के भंडारित किए जाने की जानकारी पर जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार की टीम ने पुलिस के साथ छापेमारी की। बुलंदशहर के मखेना नहर में देर रात कार में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में वाराणसी लखनऊ राजमार्ग पर ट्रक अंग्रेजी शराब से भरी ट्रक पलट गई। ट्रक में 30 लाख रुपए की शराब लदी थी।